सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा पिछला जो मैंने मल्टीबैगर स्टॉक 100 रुपीज़ से नीचे जो मैंने कहा था दोस्तों, और कई लोगों ने जो 100 रुपीज़ के नीचे लिया दोस्तों, आज सभी प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं, सभी को एक डिसेंट रिटर्न आज दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये सबसे खुशी की बात है जो मैंने मल्टीबैगर 100 बिलो 100 रुपीज़ का दिया था। उसी के साथ साथ एक स्टॉक तो 100 रुपीज़ भी पार करके आगे चल रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो मेरा 5 गोल्डन स्टॉक है वो भी काफ़ी शाइनिंग लेवल पर है दोस्तों, चमक रहे हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हैं परसेंटेज वाइज, और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों और एक खास बात, जो हमारा रिस्क एपिटाइट ग्रुप है वो भी अपना एक अच्छा डिसेंट मंथली रिटर्न भी देता जा रहा है, जिसमें हमने इस बार लगातार महीने में भी एक एक दो दो कॉल प्लस होता रहा। तो यही सब खुशी की बात है दोस्तों, और इसी सब खुशी में मैंने दोस्तों आज एक और नया सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें मैंने ये लिखा था कि तीन सेक्टर जो फ्यूचर में काफ़ी प्रगतिशील, काफ़ी उन्नतिपूर्ण रूप होंगे, तो ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे 3 सेक्टर, जो कि वास्तव में मैंने 4 सेक्टर्स ही कहा था, जिसमें मैंने IT सेक्टर, फार्मा, केमिकल एंड एग्रोकेमिकल। तो दोस्तों उससे संबंधित काफ़ी मुझे मैसेजेस आए, बोले सर इस पर आप स्टडी करके हमें दीजिए, हमें बताइए कि कौन सा बेस्ट होगा। तो दोस्तों इसी पॉइंट से मैंने ये काफ़ी स्टडी किया इन दिनों में, काफ़ी एनालिसिस भी हुआ, और उस एनालिसिस और स्टडी के बाद तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, और उसी हिसाब से कि 5 जो मैंने तैयार किया है, तो नाम ही इसका मैंने ये दिया है 5 बेस्ट स्टॉक इन 4 सेक्टर्स। हाँ दोस्तों, ये नया सर्विस आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है, 5 बेस्ट स्टॉक इन 4 सेक्टर्स, ये सर्विस का नाम है। तो बस दोस्तों ये सर्विस में बहुत स्टडी हुआ है दोस्तों, इसमें बहुत कार्य रूप दिया हूँ, और सभी के लिए ये खुशी की बात है दोस्तों, इस सर्विस में मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे अच्छी बात, सबसे खुशी की बात, जो भी मेरा फीस है उसमें 50% डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट सीमित है 30th अप्रैल 2021 तक। हाँ दोस्तों, ये 21 जो मैंने कहा 2021 की बात, खास रूप से 30 अप्रैल 2021 तक ही सीमित है जो मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बस इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस यही बात था दोस्तों जो आपसे पहले शेयर करना चाहता था। और इन दिनों दोस्तों मैंने जो स्टडी करता रहा, और आपको आप जानते ही हैं मैंने एक सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ज़ोरदार कंपनी तो पहले ही कर चुका हूँ कि इस साल का बेस्ट होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने ये भी देखा कि सीमेंट सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट स्टॉक होगा, तो वो नाम और वो विषय मैंने इस रूप में जो स्टडी किया वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट्स। हाँ दोस्तों, पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ बात करना चाहूँगा दोस्तों। अंबुजा सीमेंट्स, इसका दोस्तों पुराना नाम गुजरात अंबुजा सीमेंट था, और इसकी खास बात कुछ मेरे से ये कंपनी काफ़ी जुड़ा हुआ है दोस्तों। एक तरह से मैंने अपने लाइफ में जो पहला जॉब ऑफिस में पहला जॉब ज्वाइन किया था दोस्तों, उसका नाम था एपिक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इसमें पॉइंट ये था दोस्तों, जो जस्ट मित्तल कोट नेरीमन पॉइंट मैं वहाँ ज्वाइन किया था 1988 की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो उन दिनों में दोस्तों मेरा एक रेगुलर काम हुआ करता था, जिसमें मैं रेगुलर नोट करता था एक रजिस्टर बुक में अंबुजा सीमेंट का शेयर प्राइस डेली। ये बात मैंने कहीं और भी कहा है दोस्तों, एक तरह से दोहरा रहा हूँ। तो मैं 1988 की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस समय मैं गुजरात अंबुजा सीमेंट का भाव लिखा करता था 11 रुपया 25 पैसा, 11 रुपया 75 पैसा, 12 रुपया 10 पैसा, 12 रुपया 40 पैसा, ऐसा भाव वो चलता था। मीन्स 11 रुपीज़ टू 12 रुपीज़ के रेंज में, 12 रुपया 10 13, मैंने लास्ट जो लिखा था मुझे याद है दोस्तों 14 रुपीज़ 40 पैसा, 14 रुपया 40 पैसा मैंने लिखा था। तो ये बात दोस्तों मैं 88 की आपसे शेयर कर रहा हूँ।
तो चलिए अभी वर्तमान में आते हैं। तो इस तरह से मेरा संबंध अंबुजा सीमेंट से रहा और मुझे ध्यान था, और चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों अंबुजा सीमेंट के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट सर 1983 में हुआ, और दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ 1988 में मैं लिख रहा था प्राइस। चलिए वर्तमान में आ जाते हैं और इसके खास गुणों और बातों पर आपका ध्यान हो। करंट मार्केट प्राइस 300 रुपीज़, 300.70 एज ऑन 16th April 2021। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों अब ये लार्ज कैप में है और वहाँ शाइनिंग भी कर रहा है बाकायदा, 59,708.35 करोड़। EPS 9.02 है। PE रेशियो चल रहा है अभी 33.34 का। बुक वैल्यू 102.31 है। फेस वैल्यू 2 रुपया है। इनका डिविडेंड जो पे आउट हुआ है 925% 2020 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और बोनस अंबुजा सीमेंट ने 3 बार डिक्लेयर किया है, 3 times। ROCE एक डिसेंट लेवल पर है दोस्तों, 18.3%, और ROE है 10.5%। तो एक इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैंने इसका चार्ट भी स्टडी किया दोस्तों। पिछले 6 महीने में इसकी खास बात ये रही है दोस्तों कि बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन फेज पे चला है दोस्तों। पिछले 6 महीने में इसका जो भाव स्वभाव है उसके बारे में बोलूंगा। 210, 212, 230, 240, 260, 270। अक्सर मैं कभी भी ये सोचता था किस दिन ये 300 या 300 रुपये के ऊपर कब जाएगा, ये भी मैं सोचता रहता था या इसे कभी कभी देखता था। तो मैं भी सोचा उस दौरान दिसंबर में भी देख रहा हूँ 260-70 ही है, ये 3-4 महीने के पहले की बात है। फिर भी देख रहा हूँ जनवरी में भी यही 270-80 के रेंज के अंदर जाकर फिर वापस। तो फिर मैंने कहा चलो फिर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जब इसका कुछ रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो, और वहां से जब मैं देखूंगा कि कहां तक और कैसे रूप में जा सकता है। तो दोस्तों ये 9 अप्रैल की बात है, 9 अप्रैल को इसने एकदम अच्छा रेसिस्टेंस ब्रेकआउट किया 300 का, और उसके ऊपर दौड़ा और पहुंच गया 329 तक, जोरदार। और अभी चल रहा है दोस्तों 300.70। तो अब क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए? अंबुजा सीमेंट दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही मजबूत कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लगातार प्रगतिशील रहा है, लेकिन प्राइस में उतना प्रगतिशील नहीं हुआ है। तो अब मैं इसे देख रहा हूँ दोस्तों कि अब ये तैयारी कर रहा है दौड़ने की। तो यहाँ पर अगर आप खरीदी करते हैं तो नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से चलते हैं तो अंबुजा सीमेंट आपको एक अच्छा एक डिसेंट रिटर्न जरूर देगा, इस बात पर आपका ध्यान रहे। और आप जब खरीदते हैं तो यही नज़रिया रखेगा कि आपको लॉन्ग टर्म में ही इस शेयर्स को रखना है। तो जैसे आपने देखा यहाँ डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है इनका जिस हिसाब से है, एक और पॉइंट। और कुल मिला के रेगुलर अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ दोस्तों इसमें अब जोरदार रूप आया हुआ है और बाइंग फोर्स बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसे अभी खरीदा जा सकता है, नंबर वन। और प्राइस, शेयर प्राइस ऐसा है दोस्तों कि अगर आप 30 शेयर भी लेते हैं तो आपका 10,000 के नीचे ही आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एक अच्छा मैं देखता हूं कि एक रिटर्न, डिसेंट रिटर्न आप फ्यूचर में देखेंगे यदि आप इसे लॉन्ग टर्म नज़रिए से खरीद कर रखते हैं। तो मेरा यही कहना है चलते चलते दोस्तों कि ये लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, और इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। बस इसी नज़रिए और इसी बात को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं मानता हूँ इस बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि मैं अभी सभी लोगों को बीच में मैं कहा भी था कि टेलीग्राम मैंने अभी हाल ही में सेबी शेयर एकेडमी के नाम टेलीग्राम शुरू हुआ है जिसमें कई लोगों ने ज्वाइन भी किया है। तो उसमें मेरा क्या भूमिका है दोस्तों कि मैं प्रतिदिन एक अपने मन में कुछ विचार आते हैं स्टॉक मार्केट के प्रति, तो उस विचार को मैं प्रकट करता हूँ, एक तरह से समझ लीजिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक अनमोल वचन प्रतिदिन उसमें लिखता रहता हूँ, और उसी के बाद में कम्युनिटी में भी डाल देता हूँ मैं। तो उसे आप देखिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, मेरे एक एक वाक्य में भी मेरा एक अनुभव, और उसमें एक कह सकता हूँ दिल की आवाज़ भी है, और मार्केट से संबंधित आपके एक अच्छा नॉलेज प्राप्त जरूर होगा। बस यही कहूँगा दोस्तों, बाकी हमारे सर्विसेज के बारे में तो आप जानकारी रखते ही हैं,
और बस और क्या कहें उसके बारे में, जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।